आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए ये लोग। हम चैलेंज करते हैं इनसे, अरे बाबा साहब का नाम क्यों लेते हो तुम? फिर बाबा साहब का नाम लेकर तुम सत्ता में आ गए तो मैं ये कहता हूँ बाप मान लिया इन्होंने। अगर बाप के घर को कोई फूक रहा तो क्या बेटा उसे बचाएगा? नहीं, जब तुमने बाबा साहब को सब कुछ मान लिया, कहता कि मैं बाबा साहब की बदौलत प्रधानमंत्री बनाऊँ और इसकी सत्ता में जो है लोग सरेआम जो है संविधान को जला रहे हैं, कहाँ चली गई इसकी कानून व्यवस्था बताइए। क्या लगता है इसमें कई सारे मुद्दे हैं, रेल है, वेल है, तेल है, तो सबको ये देख रहेगा, सबको अपने अपने लोगों को जो सरमाएदार है। हमने वो समय देखा है जब ये जो सत्ता में बैठने वाले लोग हैं ना, इन्होंने हमारी गुड़ और राब को खरीद खरीद किया और अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। सुनिए, ये वही लोग हैं, ये अब भी देश को बेचने लग रहे हैं। इन्हें पता है भाई, इन दलितों का जो है विकास का मार्ग रोक दो, हमारा विकास कहाँ है? शिक्षा से, शिक्षा का आज हालत देख लो क्या स्कूलों में, पहले जो जीरो उसमें जो हमारे बच्चों के एडमिशन होते थे, आज जो उनसे जो एक एक लाख रुपये बचा बचाए पहले जमा कराया जा रहे, कहाँ से कराते हैं? क्यों उन्हें पता कि ना इनके पास पैसा होगा और ना ये लोग जो है पढ़ से पाएंगे। दूसरी बात, पढ़ भी लिए आरक्षण, आरक्षण कहाँ से मिलेगा? जो सरकारी संस्थाएं उनमें मिलेगा, सरकारी संस्थाओं को सबको इन्होंने निजीकरण में धकेल दिया, तेल फेल जो भी रेल वेल सब है आज ये स्थिति बना रखे। क्या डॉक्टर भी बताओ, इन्होंने लाल किले को बेच दिया, जो देश की शान है देखना ही है क्या है बताइए, तो अब इनसे क्या उम्मीद करेंगे हम लोग? ये जो हमारी बहन बेटे के साथ में बलात्कार हो रहा है, ये बलात्कारी कौन है? ये बलात्कारियों के आश्रमों में जाकर फोटो खिंचवा रहे थे, क्या मतलब है? चोर का साथी चोर हुआ है ना, तो ये भी जार के साथी जार हुए हैं ना, कौन से का फोटो नहीं है बताइए हमें? अगर इन्हें मैं कहता हूँ जो तेलंगाना में हुआ है, जो गोलीकांड बिल्कुल अच्छा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ निकालिए एक एक मिनट एक घंटे के लिए उसे आसाराम को निकालिए, राम रहीम को निकालिए, रामपाल को निकालिए और लेकर अंधेरे में मारिए गोली। हम तो जब जानते हैं हैदराबाद की बात करें जो हुआ गोली कंट्रोवर्सी हुआ, एक तरफ आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान तो इजाजत नहीं देता है सर, अगर वे उस मुद्दे पे जिस पे वो बता रहे हैं कि वो हम उनको मुद्दे जो मतलब हम जो प्रूफ जो साबित करने के लिए ले गए और वो भाग रहे थे, उन्होंने हथियार छीनने की कोशिश की, अगर वो सच है तो उन्होंने सही किया और इसकी जांच कराइए ना। नहीं, संविधान देता है कि जो भागता उसको गोली मारने की इजाजत देता है, लेकिन ऐसा नहीं अगर मुझे ले जाकर गोली मार दी उनका भाग रहा था बताइए, कहीं मुजरिम जो है राइफल छीनेंगे इनसे? हमारे ये गोली मारने की आरक्षण बचाने की नौबत आ गई है, क्यों लगता है? आरक्षण कोई ठीक नहीं है, एक विषय प्रतिनिधित्व करने का जो बाबा साहब ने हर वंचितों को जो मौका दिया था, ये प्रतिनिधित्व करने का एक विषय है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो सरकारी स्कूल में किसी का बेटा पढ़ता है और एक बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जब सरकारी सर्विस में कंपटीशन कराई जाती है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक सरकारी स्कूल वाला और प्राइवेट स्कूल वाले से कैसे कंपटीशन कर सकता है? अगर ऐसा आप मानते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले को प्राइवेट नौकरी मिलनी चाहिए और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये दोहरी शिक्षा नीति इस देश में कैसे व्यवस्था लागू कर दी इन्होंने? उनकी केंद्र में बैठी सरकार आज उनकी मंशा है, आज बीएससी एमएससी वाले को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, उनमें आज जो विदेशी निजी क्षेत्रों से निकाली जा रही हैं, उनके माध्यम से वो 15 साल 5 साल पहले आरएसएस संगठन का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, वो आरएसएस 15 साल 5 साल का आपके पास सर्टिफिकेट है, आप कंपटीशन में पास हैं और सरकारी स्कूल का गरीब का बच्चा क्वालिफाइड है तो वो इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। ऐसी लोगों की ऐसी ऊंची मानसिकता के लोग बैठे हुए। सर एक बात बताइए, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास और आप कहते हैं कि ये दलितों का भोजना करते हो तो रहा है, किसी को स्कूल में जिसको अपॉइंटमेंट कर दिया है दलित को है, उसका वो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उस मास्टर का अपमान कर रहे हैं, बताइए सरकार कौन सा एक्शन लेती है बताइए हमें, ये अपमान क्या है ये बताइए आप, ये बच्चे किसके उन्हीं के बच्चे तो हैं, बताओ कौन सा एक्शन है ये सरकार? ये जो नारा सबका साथ सबका गलत है ना,
मेरे साथ उनका साथ और हमारा विनाश। हमें बताइए आप आरक्षण की बात है, अगर ये बाबा साहब का अनुयायी बनते हैं जो है, चाहे वो गांधी मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, शाह हो, चाहे जो वो योगी हो, मैं कहता हूँ बाबा साहब के संविधान को ईमानदारी से लागू करिए। इन लोगों ने पहले भी वो भ्रष्टाचार और क्या है वो अत्याचार, इसको खत्म करेंगे। अरे हम यूँ कहें बाबा साहब के बनाए संविधान को लागू करिए, उसमें रिश्वत देने वाले को भी लेने वाले को सबको सजा का प्रावधान है। कौन कह रहा है कि बाबा साहब के संविधान में वो सब सुविधाएं नहीं है? बाबा साहब के संविधान में जो ये क्या नाम आपका बलात्कार है, बताओ उसके लिए कहाँ छूट है? वो तो बाबा साहब तो कहते हैं कि ऑन स्पॉट जो है जिसके साथ में बदतमीजी करा वही उसे खत्म कर दो। लेकिन यहाँ का संविधान जो है मनुवादी संविधान, यहाँ उसको सूर्पनखा की नाक काटने वाले के विरोध आवाज उठाने वाले रावण को ये लोग दुष्ट और रावण उसे राक्षस बताते हैं, ये वो लोग। तो ये हम लोगों को हम अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाएंगे तो क्या हमें ये सही नजरों से देखेंगे? हमें भी आतंकवादी और नक्सलवादी जो क्या जो गोलियों से ढूंढे हैं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।